नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिखा धूरिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कुल 4 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है। अब 5वें चरण के लिए मतदान होना है। इसी कड़ी में अमित शाह ने शुक्रवार को 5वें चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन ताबड़तोड़ रैलियां की। कौशाम्बी जनपद के सिराथू में जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि 4 चरण के चुनाव खत्म हो गए हैं, सपा बसपा का सुपड़ा साफ हो गया है। अमित शाह ने कहा कि 300 से ज्यादा सीटों के साथ एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनने जा रही है। सिराथू वालों, 2014 में आपने किसको जिताया, जोर से बोलो। भाजपा को जिताया ना, जोर से बोलो, किसको जिताया? 17 में, 19 में? अब बाउंड्री लगानी है, जोर से लगाओगे क्या? 22 में किसको जिताओगे? माताओं, भाइयों, बहनों, आज मैं कहने आया हूं, 4 चरण के चुनाव समाप्त हो गए हैं। 4 चरण में घूमकर आया हूं, सपा बसपा का सुपड़ा साफ हो गया है। 300 से ज्यादा सीटों के साथ फिर से यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मित्रों, सरकार शुक्रवार को अमित शाह ने प्रयागराज के सोराव में भी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन जो है वो विजयी गठबंधन है। भाजपा, निषाद पार्टी और अपना दल पिछड़ों, गरीबों, दलितों के लिए काम करने वाला दल है। उन्होंने कहा कि निषाद पार्टी और अपना दल को दिया आपका वोट प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों को मजबूत करेगा। ये विपक्ष वाले बहुत अफवाह उड़ा दिए कि अपना दल और भाजपा में टुराव है, अलग होंगे। बहन अनुप्रिया जी बैठी है, मैं यहाँ कहकर जाता हूँ, आपकी दाल नहीं गलेगी। अखिलेश बाबू, अनेक चुनाव दोनों दलों ने साथ में लड़ने हैं, अनेक चुनाव लड़ने हैं, और ये जो गठबंधन है ये विजयी गठबंधन है। हमारा निषाद राज पार्टी का और अनुप्रिया जी की पार्टी अपना दल का गठबंधन, ये तीनों दल पिछड़ों के, गरीबों के, दलितों के कल्याण के लिए काम करने वाले दल है। ये विजयी गठबंधन। आज मैं इस मंच पर से 5वें, 6वें, 7वें चरण के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपील करने आया हूं, जहां जहां अपना दल और निषाद राज पार्टी लड़ रही है, वहां कप प्लेट और भरी हुई थाली में ही कमल बसा है। 5वें चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन अमित शाह ने प्रतापगढ़ के रामपुर खास में भी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सपा बसपा पर जमकर निशाना साधा। ये सपा बसपा, बसपा सपा, ये बुआ भतीजा की सरकारों ने उत्तर प्रदेश को बाहुबलियों और माफियाओं के हवाले किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 ही साल में उत्तर प्रदेश को बाहुबलियों की परेशानी से मुक्त कराया। रामपुर खास वालों, मुझे बताओ, अतीक अहमद कहाँ है भाई? कहाँ है? जेल में है ना? बोलो बोलो, कहाँ है? अरे आजम खान कहाँ है? मुख्तार अंसारी कहाँ है? अगर गलती से भी साइकिल की सवारी करी तो जेल में रहेंगे क्या? फिर से आ जाएंगे आपकी छाती पर मूंग दलने के लिए? कमल फूल की सरकार बना दो। ये बड़े बड़े गए, छोटे चक्के बट्टे बचे हैं, वो भी जेल में चले जाएंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 5वें चरण के 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर 27 फरवरी को वोटिंग होनी है, जहां पर 692 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाएंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।